हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बालूशाही की रेसिपी। बहुत टेस्टी लगती है और यूनिक सी रेसिपी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसे मैंने बिल्कुल सिंपली तैयार किया है, जिसे आप बहुत आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसी आप बालूशाही घर पे तैयार कर सकते हैं। ये मिठाई थोड़ी अलग होती है और सभी को पसंद आती है, बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में। इसे बनाना बिल्कुल सिंपल है। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी, आप वो स्टेप वाइज फॉलो करें तो आपकी बालूशाही बहुत टेस्टी बनेगी। सबसे पहले हम बालूशाही बनाकर उसे फ्राई करेंगे, तो मैं उसके लिए ले रही हूँ एक बोल। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक चुटकी भर, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हमें गूंथना नहीं है, बस हमें इसे हल्का गूंथ कर तैयार करना है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हम बिल्कुल हल्का हल्का पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी मैंने हल्का सा गर्म लिया हुआ है, ताकि घी इसमें जमे ना। थोड़ा सा पानी और ऐड करें। पानी ऐड करते हुए हम इसे इस तरीके से गूंथ कर रेडी कर लेंगे। हमें इसका बिल्कुल अच्छे से आटा गूंथ कर रेडी नहीं करना, इस तरीके से हमें इसे छोड़ देना है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई ले लेंगे इस तरीके से, और इसे हल्के हाथों से आप प्रेस करते हुए राउंड कर लें। राउंड करने के बाद हम इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए बीच में इस तरीके से इसमें प्रेस कर लेंगे, और इसे बिल्कुल बालूशाही के शेप में तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारी बालूशाही भी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत सिंपल इसे तैयार करना। इस तरीके से छोटी छोटी लोई काट लें और इसके बीच में प्रेस करते हुए इसे इस शेप में बना लें। मैंने यहाँ पे सारी बालूशाही बनाकर रेडी कर ली है। अब हमें तैयार करनी है इसकी चाशनी। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने एक बोल ली है और इसमें 1 बड़ी कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी के अकॉर्डिंग सेम अमाउंट में हम पानी ऐड करेंगे। हमें इसकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बिल्कुल हल्का, हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मीडियम फ्लेम पे इसे उबाल आने देंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हम इसे थोड़ी देर और छोड़ देंगे, ताकि इसमें बढ़िया सा उबाल आ जाए। उबाल आने के बाद हम इसे ऑफ कर लेंगे। इसमें बढ़िया सा उबाल आ चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमें बालूशाही फ्राई करके निकाल लेनी है। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, तब हम बालूशाही को इसमें डाल देंगे। आप इस बात का ख्याल रखें, ऑयल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही हल्का गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें बालूशाही डाल देंगे। इसे पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसकी परत मोटी होती है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक आराम से फ्राई कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा फ्राई और कर लेते हैं। जब इसका कलर अच्छे से ब्राउन हो जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। बालूशाही बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और हमने जो चाशनी तैयार करके रखी हुई है, इसमें हम डाल देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारी बालूशाही भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से हम इसे चाशनी में डुबो देंगे और इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये बिल्कुल आराम से रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें, या फिर आप इसे निकाल कर स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे तैयार करना। मैंने जो भी आपको स्टेप्स बताए हैं, वो आप फॉलो करें तो बालूशाही बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। आप आटे को गूंथते वक्त इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि उसे हमें टाइट नहीं गूंथना, थोड़ा सॉफ्ट गूंथ लें। उससे बहुत ही खास्ता और बहुत टेस्टी बालूशाही बनकर रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे सर्व करें या फिर स्टोर करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस रेसिपी को इन्जॉय किया। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, बहुत सारी स्वीट रेसिपीज़ डाली हुई हैं, आप वो चेक करें, आप सभी को पसंद आएगी। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी एक नई डिश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।